राधे राधे सभी को। आज हम कान्हा जी के लिए एक सुंदर और सिंपल सी ड्रेस बनाना देखेंगे, जिसके लिए मैंने ये रेयॉन फैब्रिक ली हुई है, जिसकी लेंथ मैंने 4.5 इंच ही और विड 13.5 इंच डबल में, सिंगल में आ जाएगा हमारा 27 इंच है। ये मैंने पट्टी काट रखी है। अब मैं इसके तीनों साइड पे कुछ इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाऊंगी। ये मैं तीन साइड पे करूंगी, दोनों लेंथ वाइज और एक नीचे विड्थ वाइज वाले में। चलिए मैं इसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेती हूँ। मैंने यहाँ थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। कुछ इस तरह से ही हमें पूरे में ये सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए, यहाँ हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, ये हो गया। अब हमें ये कुछ इस तरह से प्लीट्स बनानी है और इसमें पूरे में से प्लीट्स लगा के सिलाई लगा लेनी है। ऐसे मैं ऐसे ही सिलाई लगाती रहूँगी और प्लीट्स लगाते के पूरा कंप्लीट कर लूँगी। तो चलिए, मैं पूरा कंप्लीट कर ले रही हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मेरा एक बचा हुआ प्लीट मैं यहाँ लगा के इसे भी कंप्लीट कर लूँगी। और ये घेर में प्लीट्स लग गए। अब इसकी वेस्ट मुझे 5 इंची चाहिए थी, ये 5 से थोड़ा ज़्यादा है, तो वो मैं बेल्ट लगाते वक्त एडजस्ट कर दूँगी। इसमें अभी जो भी ऊपर थ्रेड बाहर निकले हुए हैं उसे मैं कट करके हटा दूँगी। तो इसे मैं कट कर लेती हूँ और जो एक्स्ट्रा थ्रेड है वो कट हो जाएंगी। ध्यान रखें, सिलाई हमें नहीं कट करनी, सिलाई से हल्की हटते हुए ही फैब्रिक को एक्स्ट्रा कट करके हटा लेना है। अब मैं इसमें पट्टी लगाऊंगी, जिसके लिए मैंने ये स्ट्रिप कट की है, जिसकी विड्थ है 1.5 इंची और लेंथ 6.5 इंची रखी है। अब इसे कुछ इस तरह से हाफ फोल्ड करते हुए हमें उल्टी साइड पे लगानी है। चलिए, मैं इसे लगा लेती हूँ। इसमें मैं डोरी लगाने वाली हूँ। ये मैंने अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग डोरी ले रखी है। अब हमें कुछ फैब्रिक को कुछ इस तरह से हाफ फोल्ड करना है, फिर डोरी को रखना है और सिलाई को कवर करते हुए हमें यहाँ पे इसे स्टिच कर लेना है। चलिए, इसे भी मैं स्टिच कर लेती हूँ। और ये स्टिच करने के बाद हमारा घेर बन के कंप्लीट हो जाएगा। ये मैंने 5 नंबर कान्हा जी के लिए बनाया है। ये ऑर्डर के लिए आई हुई थी। 5 नंबर के कान्हा जी मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं ऐसी ड्रेस में आपको पहना के दिखाऊंगी। टॉप के लिए मैंने यहाँ 8.5 इंची और 2.2 इंची चौड़ी ये मैंने पट्टी ली हुई है। अब कुछ इस तरह से हमें फोल्ड करना है। पहले हमें लेंथ वाइज वाले में फोल्ड कर लेना है और फिर विड्थ वाइज ऐसे फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ फैब्रिक को काटते हुए हमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है। चलिए, मैं सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेती हूँ। स्टार्ट और एंड में डबल सिलाई चलाना ना भूलें, ताकि लॉक हो जाए। यहाँ पे एक्स्ट्रा थ्रेड कट करने के बाद मैं इसे हाफ में कट करूँगी। कुछ इस तरह से हाफ फोल्ड करते हुए इक्वली हमें कट कर लेना है। अब इसे सेंटर से अटैच करूँगी, जो कि 1 इंची 1 to 1.25 इंची तक हमें सिल लेना है। तिरछी सिलाई हमें लगानी है। और ये हमारा टॉप भी रेडी हो गया। अब इसे मैं घेर के साथ अटैच करूँगी। घेर को अच्छे से खोल लें और उसका सेंटर मार्क कर लें। सेंटर मार्क करने के बाद टॉप को सेंटर पर रखते हुए अंदर की साइड कुछ इस तरह से टॉप ऊपर से हमें सिलाई लगा लेनी है। चलिए, मैं इसे सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेती हूँ और ये हमारा घेर कंप्लीट हो जाएगा। घेर के बाद हम
इसकी मुकुटिया पगड़ी की स्टिचिंग देखेंगे। जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड होगा उसे हमें कट करके हटा लेनी है और ये हमारे सुंदर सा घेर वाले पोशाक बन के रेडी हो गया है कान्हा जी के लिए। चलिए, ये मुकुट के लिए मैंने ली हुई है जिसकी चौड़ाई मैंने सेम 2 इंच ही और लेंथ मैंने ज़्यादा ली हुई है जो कि 9.25 इंच ही है। इसे मैं हाफ में फोल्ड करूँगी और सिलाई लगा लूँगी पूरे में और इसे सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद इसके ऊपर से भी एक टॉप स्टिच में लगा के कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने सिलाई कर ली है, ये देखिए ये हमारी सिलाई कर ली है। इसकी विड्थ थोड़ी कम हो गई है इसकी वजह से ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया है। जैसी विड्थ होती है उसके अकॉर्डिंग ही होती है। हमें कुछ इस तरह से ऐसे फोल्ड करना है। कान्हा जी हैं तो आप कान्हा जी को पहना के वो देख लो कहाँ तक आपकी फिटिंग आ रही है। उसके बाद इसे पीछे में जो भी एक्स्ट्रा है उसे ले जाके मैं सिल के वो कट करके हटा लूँगी। तो ये हमारा मुकुट बन के तैयार हो गया। आप भी अपने कान्हा जी के लिए ज़रूर बनाएं और उन्हें पहनाएं। ये देखिए हमारी ब्यूटीफुल सी सिंपल एंड ब्यूटीफुल सी ड्रेस बन के रेडी हो गई है। अब मैं आपको ये बॉटल पे पहना के दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक कैसा आएगा। ये देखिए ये मैंने पहना लिया और ये कुछ इस तरह से दिखेगा। थैंक यू। राधे राधे।